समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के बारे में अभी आपने एक प्रमेय पढ़ा कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों पर आधारित कुछ उदाहरण भी हम हल करेंगे। हमारे सामने पहला उदाहरण है जिसमें हमारे सामने एक प्रश्न है, एक चुनौती है, वो ये है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो वह आयत होता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लेकिन वहां यह शर्त नहीं थी कि विकर्ण बराबर होंगे। लेकिन यदि विकर्ण बराबर होते हैं तब क्या होता है? तो विकर्ण बराबर होने पर हमें यह देखना है कि वह क्या वह आयत होता है। तो आइए हम कोशिश करें यहां देखने की। तो जो चीजें हमें दी गई है वो है कि एक समानांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और उसके विकर्ण ए सी और बी डी है जो बराबर है। विकर्ण ए सी और विकर्ण बी डी या डी बी, ये दोनों विकर्ण आपस में लंबाई में बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो समानांतर चतुर्भुज है वो एक आयत है। तो आयत की क्या खासियत होती है? आपको पता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी हैं, बराबर भी हैं और दोनों जोड़े बराबर हैं। मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के समानांतर बराबर है, ये भुजा इस भुजा के समानांतर और बराबर है। ये तो समानांतर चतुर्भुज का गुण हुआ। लेकिन आयत तब होगा जब इनके सभी कोण, आयत के चारों कोण जो है वो समकोणादि हो जाते हैं, तब हम कहेंगे हाँ सचमुच में ये आयत है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम इनके चारों कोणों को समकोण के बराबर सिद्ध कर पाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के पहले हम त्रिभुज ABC को लेंगे। आप देखिए त्रिभुज ABC, एक हरे रंग का जो विकर्ण हमने बनाया है उसके साथ इस समानांतर चतुर्भुज के दो भुजाएं। तो हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज, ये त्रिभुज हम लेंगे, दूसरा त्रिभुज हम लेंगे त्रिभुज BCD, ये जो लाल रंग की रेखा या विकर्ण से बनने वाला त्रिभुज है उसे हम लेंगे। तो दूसरा त्रिभुज हुआ BCD, तो हम लिखें यहां पर त्रिभुज BCD। आप ध्यान से देखिए, पहला त्रिभुज ABC जो इस हरे विकर्ण के साथ इन दो भुजाओं को मिलाने पर बनता है, और दूसरा त्रिभुज है BCD यानी इस लाल रंग के विकर्ण को इन दोनों भुजाओं के साथ मिलाने पर बनने वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों में आप गौर करिए कि क्या क्या सूचनाएं हमारे पास हैं। आप देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, विकर्ण बराबर है, यानी आप कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में BD और AC बराबर है। BD बराबर AC, ये कथन एक हुआ। वैसे ही आप देखिए कि भुजा AB भुजा DC के बराबर है, यानी इस त्रिभुज की भुजा लंबी वाली AB दूसरे त्रिभुज की भुजा DC के बराबर है। तो इसे भी आप लिख लें AB बराबर DC। इसे हम इस त्रिभुज का पहले लिखें तो इसे हम लिखेंगे DC बराबर AB, DC बराबर AB। ये हमारा कथन दो हुआ। और इस BC भुजा को देखिए, ये जो भुजा BC है वो दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, तो आप लिख सकते हैं BC बराबर BC। यानी आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC में ये विकर्ण दोनों के बराबर है, भुजा AB भुजा DC के बराबर है और भुजा BC दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो हम देख रहे हैं कि इन दो त्रिभुजों में क्रमशः एक एक भुजाएं दूसरे त्रिभुज के एक एक भुजाओं के बराबर हैं, और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम होने के लिए आपको लिखना होगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BCD के, और यदि सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो चूंकि भुजाएं तो हमने बराबर रखी ली थी, अब ये हमको पता चलता है कि इनके संगत कोण भी बराबर है, यानी आप कह सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा
और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, और ये जो पूरा कोण है वो इस पूरे कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी तो हमको पता नहीं है समकोण है कि नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं हाँ ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहां से हमको मिलता है कोण एबीसी, इस पूरे कोण को हम लिखेंगे कोण एबीसी बराबर कोण, इस कोण को हम लिखेंगे डीसीबी, कोण डीसीबी, ये दोनों आपस में बराबर है। मान लीजिए आपका एक कथन, इसे आप कथन तीन लिख सकते थे और ये कथन आपका चार हुआ, तो चौथा कथन हुआ जो इन कोणों के बारे में बात कर रहा है। अब आप देखिए जरा, ये जो दोनों कोण है उनकी स्थिति किस प्रकार की है। डीसी और एबी समानांतर है और बीसी तिरेक रेखा उन्हें काट रही है। इस संदर्भ में यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों कोण तिरेक रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोण है। फिर से देखिए, एबी और डीसी समानांतर रेखाएं हैं और तिरेक रेखा बीसी उन्हें काट रही है, तो ये दोनों कोण तिरेक रेखा की एक और बनने वाले अंतः कोण है। और इसके बारे में आपने ये पढ़ रखा है कि किसी समानांतर रेखाओं के एक जोड़े को यदि कोई तिरेक रेखा काटती है तो अंदर के जो बनने वाले अंतः कोण हैं उन दोनों का योग 180 अंश होता है। तो आप इन दोनों कोणों के बारे में लिख सकते हैं कि कोण एबीसी धन कोण डीसीबी, डीसीबी यानी हम इन दोनों कोणों के बारे में बात कर रहे हैं, कोण एबीसी और कोण डीसीबी, इन दोनों का योग होगा 180 अंश। और आपने यहां पर एबीसी को डीसीबी के बराबर किया है, तो यहां पर डीसीबी की जगह पर आप यदि एबीसी लिख लें तो क्या होगा, कोण एबीसी धन कोण एबीसी बराबर 180 अंश। और यहां से आपको परिणाम मिलेगा कि दो गुणित कोण एबीसी बराबर 180 अंश। और इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि कोण एबीसी, कोण एबीसी बराबर 180 का आधा यानी 90 अंश, और एबीसी आपके बराबर है डीसीबी के, तो आप यहां पर ऐसा भी लिखते हैं कोण डीसीबी। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों कोण थे वो आपस में बराबर थे और इनका योग 180 अंश था, यानी इनमें से प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होगा। यहां पर आपने प्रूफ किया, तो ये प्रमाणित हो गया कि ये जो कोण है वो समकोण है, राइट एंगल है, और ये दोनों कोण समकोण हो गए। ठीक इसी तरह से आप इन दो त्रिभुजों में देखें, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी में, यहां पर भी आप सिद्ध कर सकते हैं ये दोनों कोण समकोण है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने देखा कि आपके सामने जो समानांतर चतुर्भुज है उनके चारों के चारों कोण में से प्रत्येक कोण 90 अंश का है, और 90 अंश का होने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है जिसे आप शुरू में समानांतर चतुर्भुज कह रहे थे वो अपने विकर्णों के समान होने के कारण एक आयत को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये प्रूफ करना था जो आपने कर लिया।